अरुणाचल वाले, भारत वाले, अलग अलग प्रांतों वाले, हम भारतीय अलग अलग संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, रीति रिवाज को मानते हैं। ये तो हमारी विशेषता है, अनेकता में एकता। और हम जितने भी भारतीय धर्म है, पूर्व की संस्कृति, ये चाहे वो बौद्ध धर्म है, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के मत मतांतर है, अनेक प्रकार के संप्रदाय है, एक जैसी उपासना पद्धति नहीं है, एक जैसी पूजा पद्धति को हम नहीं मानते। पूजाएं हमारी अलग अलग हैं, लेकिन पूर्वज हमारे एक हैं। हमारी पूजाएं अलग अलग हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं, लेकिन अध्यात्म एक है। और हम सब के शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा और हम सब का बनाने वाला वो अल्लाह खुदा गोड ऑलमाइटी परमात्मा अकाल पुरुष वाहे गुरु भगवान, जिसको वेदों में कहा एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, वो भगवान भी सबका मालिक एक है। हम सब एक हैं। और आज योग की शिक्षा के साथ साथ योग एक तो हमारी अंतःशक्ति को, अंतः प्रज्ञा को जगाता है। योग का सिद्धांत है, सब कुछ हमारे भीतर है। हमारे भीतर शुभ भी है, अशुभ भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, रोग भी है, आरोग्य भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, भीतर शैतान भी है और भगवान भी है। योग करने से भीतर की सात्विक शक्तियां, भीतर का धर्म, भीतर का सत्य, भीतर का देवत्व जागृत हो जाता है। और सब धर्मों में योग की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सब जगह योग की शिक्षा है। और बौद्ध धर्म तो आधारित ही योग पर है। भगवान बुद्ध ने तो बुद्धत्व को प्राप्त किया, जो शुद्ध हो जाता है भीतर से वो बुद्ध हो जाता है। मैं धर्मशाला भी गया, मुझे दलाई लामा जी हरिद्वार भी आए, पतंजलि योगपीठ के द्वितीय चरण का उद्घाटन परम पूज्य दलाई लामा जी के सानिध्य में हुआ। मैं जब वहां धर्मशाला गया तो वहां पर एक फोटो लगा हुआ था, एक चित्र लगा हुआ था, एक मूर्ति प्रतिमा बनी हुई थी भगवान बुद्ध की, ऐसी वाली। आप में भी जो धर्मशाला गए होंगे देखा होगा मठ में, ये वाली। भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखा आपने, ऐसा वाला। एक नदी के किनारे उन्होंने 4 महीने तक उपवास किया, तप किया, तो ऐसे ही शरीर शुद्ध हो गया। जिसका शरीर मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है वो बुद्ध हो जाता है, जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। इसलिए सब मेरे साथ में बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, राष्ट्रम शरणम गच्छामि। आप सब भाई बहनों को बस आज मैं 2-4 बातें कह करके यहां से अब मुझे जल्दी प्रस्थान करना, नहीं तो आज मुझे बहुत आपसे अपने दिल की बात करनी थी। बस आज मैं एक ही बात कह के जा रहा हूं। मैंने पहले ही जैसे कहा, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, मुझे अपने भारत पर गर्व है, और भारत की वीर बहादुर पराक्रमी सेनाओं पर गर्व है। भारत जैसी पराक्रमी सेनाएं कहीं पर नहीं है। भारत के सैनिक 7-7 दिन तक भूखे रह करके लड़ सकते हैं, ऐसे वीर बहादुर सैनिक। और 1962 की लड़ाई में तो 2420 सैनिकों ने यहां पर अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, लेकिन भारत माता का माथा नीचे नहीं होने दिया। हमारे वीर सैनिकों पर हमको गर्व है। और आज भी भारत पर गर्व होने के साथ साथ मैंने कहा, भारत हमारे लिए एक मात्र माटी का टुकड़ा नहीं है, भारत हमारे लिए मां है, भारत हमारे लिए एक जीवंत देवी है। और इस मादरे वतन, इस मदरलैंड, इस मातृभूमि पर हमको गौरव है। इस भारत माता का माथा है, भारत माता का मुकुट है। ये अरुणाचल और इस
अरुणाचल को मैंने कहा यह हमारा, ये भारत माता का एक कोहिनूर है, और जैसे पहले वाला कोहिनूर तो हमारा विदेशी लोग चुरा करके ले गए थे, वो भी अपने हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन में रखा हुआ है वापस लाना है, लेकिन अपने इस अरुणाचल को तो किसी भी कीमत पर, और अरुणाचल में भी जो तवांग है ये तो यहां आकर के तो चारों तरफ मैंने देखा बर्फ की वादियां और ऐसे चमकता है ये तवांग, इसकी शोभा तो मैंने कहा जैसे हम कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सारे जहां से अच्छा ये तवांग हमारा। और कभी चीन बोलता है तवांग तो हमारा, अपने नक्शे में उसने तवांग को डाल दिया। अब अमेरिका अपने नक्शे में पूरे वर्ल्ड को डाल दे तो क्या पूरा वर्ल्ड अमेरिका का हो जाएगा? नक्शे में दिखाने से तवांग चीन का नहीं हो जाता जब तक भारत के 120 करोड़ भारतीयों में एक भी भारतीय बचा हुआ है, तब तक हम इस तवांग की रक्षा करेंगे, और यह हमारा प्राणों से प्यारा है तवांग। तवांग हमारा मात्र एक छोटा सा एक भूभाग नहीं है, मैंने कहा तवांग इस भारत माता के माथे का मुकुट है, एक कोहिनूर है। और मैं एक दो बातें और अरुणाचल के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे बहुत से अरुणाचल के भाई मुझसे मिले, बोले बाबा जी जब हम देश में जाते तो हम अपने हृदय में अपने दिल में मन में प्राणों में आत्मा में हिंदुस्तान रखते हैं, और हम दिल से हिंदुस्तानी हैं, आत्मा से मन से प्राण से हिंदुस्तानी हैं। मुझे गर्व है इस बात का, एक भी अरुणाचल का भाई बहन ऐसा नहीं जिसने कभी भी अपने आप को इस भारत से अलग देखा। फिर भी कभी कभी हमारे अरुणाचल के भाई जब नीचे जाते हैं देश में जाते हैं तो बोले हिंदी में बात करते, ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अच्छी हिंदी जानने वाले हमारे अरुणाचल के लोग, लेकिन उसको कभी कोई बोल देता है आप भूटानी है, आप चीनी है, आप नेपाली है, आप जापानी है, वो बोलता है मैं हिंदुस्तानी। ये बात बड़ी गर्व की बात, वो बोलता है मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो नहीं जानते हैं हमारे इस अरुणाचल की तवांग की संस्कृति को, यहां के सभ्यता को, यहां की वेशभूषा को, यहां की परंपरा को। याद रखना स्ट्रक्चर को देख करके आप कभी भी किसी की नागरिकता या किसी के मुल्क का नहीं पता लगा सकते। आप यूरोप में जाइए सब यूरोपियन लोग एक जैसे लगते, अमेरिकन भी एक जैसे लगते। आप वहां पर जाएंगे आपको अमेरिका भी कनाडा के लोग अमेरिका के लोग और पूरे के पूरे जो है फ्रांस के लोग जर्मनी के लोग सब एक जैसे लगते हैं देखने में। बॉडी का स्ट्रक्चर देख करके आप नहीं पता लगा सकते कि ये ब्रिटेन का नागरिक है, ये फ्रांस का नागरिक है, ये जर्मनी का है, ये नागरिक कनाडा का है या अमेरिका का है। बॉडी के स्ट्रक्चर देखने से किसी देश के किस देश के आप नागरिक हैं पता नहीं लगता, आपका कैरेक्टर देखने से पता लगता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। स्ट्रक्चर हमारा किसी भी देश के लोगों से मेल खा सकता है, स्ट्रक्चर बॉडी का किसी देश के लोगों से मेल खा सकता है। अब भूटान हमारा पड़ोसी देश है, चीन भी हमारा पड़ोसी है, पड़ोस को तो हम नहीं बदल सकते, प्रकृति को नहीं बदल सकते, स्ट्रक्चर को हम नहीं बदल सकते, तो बहुत गॉड गिफ्ट है। तो हमारा स्ट्रक्चर चाहे किसी देश के लोगों से मेल खाता हो लेकिन हमारा कैरेक्टर भारतीय है, हिंदुस्तानी है, और यही हमारी पहचान है, और यही हमारी शान है, यही हमारा स्वाभिमान है। और जहां तक बात बॉडी के स्ट्रक्चर की भी है, मैं तो कहता हूं देखो मुझे तो ऐसे पूरा हिंदुस्तान प्यारा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अरुणाचल के लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लगता है। और मैंने बहुत पहले सुना था अरुणाचल के लोग बहुत सुंदर होते हैं, मैं पहली बार अरुणाचल में आया हूं, मुझे तो यहां के लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल।
यदि भारत में सुंदरता की प्रतियोगिता आयोजित हो और उसमें भारत सुंदरी का चयन या भारत सुंदर, भारत में कौन पुरुष और कौन युवती सबसे सुंदर है उसका चयन करना हो तो मैं तो अरुणाचल में से चयन करूंगा। इतने प्यारे, इतने भोले हैं लोग, मन में इतनी भक्ति श्रद्धा आस्था। मैं उधर से एलिफेंट से उतरा, चारों तरफ लोग ऐसे प्रणाम भी करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे टाटा बाय बाय करते हैं या दोनों हाथ जोड़ते, ऐसे दोनों हाथ जोड़ते हैं। इतनी श्रद्धा भक्ति और इतनी आस्था। तो मैं कहता हूं, मैं पूरे देश में इस बात को कहूंगा कि कभी भी हमारे अरुणाचल के भाइयों को जब वो पूरे देश में कहीं पर भी भ्रमण करते हैं तो उनको देख करके, उनको देख करके नहीं, कोई भी हमारे देश में अरुणाचल के लोगों के साथ में जिनका स्ट्रक्चर मिलता है उनको भी पूछे। कोई हमारे देश में जापानी भी आए, हमारे देश में कोई चीनी आए, हमारे देश में कोई भूटानी आए, तो उसको भी पूछे क्या आप अरुणाचल से आए, ऐसा पूछे आप क्या अरुणाचली। तो भाई बहनों, मैं आज बस इतनी सी बात कहने आया हूं कि हमको योग के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाना है।